नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से राउत फनी फैमिली 0.2 में। तो जैसे कि आज के ब्लॉग की शुरुआत करूंगा मैं जय श्री राम के नारे के साथ। तो जैसे कि आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में आज मनाई जाएगी दिवाली और पूरे मंदिर में हो रही है आज भजन कीर्तन। तो मैं भी जा रहा हूँ आज मंदिर में और हमारे गढ़वाल सभा में जहाँ भवन का निर्माण किया गया वहाँ पर, और वहाँ पर एक मंदिर भी है और मंदिर में हम करेंगे आज पूरा जो ब्लॉग है पूरे ब्लॉग की दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो बने रहना आपने पूरे ब्लॉग में मेरे साथ, ठीक है। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मंदिर में कितने कीर्तन भजन हो रहे हैं और लोग बिल्कुल उत्साह के साथ श्री रामचंद्र जी के भजन कर रहे हैं यहाँ पर। और आपने पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहना है, ठीक है, लास्ट तक। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि कीर्तन मंडली अपनी पूरी यहां पर राम नाम जप के उनका भजन कर रही है। और कीर्तन मंडली के साथ साथ मैं दिखा रहा हूं आपको कि सारे के सारे जो अपने भवन में आए हुए हैं, देखो यहां पर कितने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। जय श्री राम, 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 हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आज लोगों ने घर घर में अपने झंडे लगा रखे हैं। अभी ये तो बजरंगबली का झंडा है और राम नाम का झंडा भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये देखिए भवन में कितना अच्छा लग रहा है ये झंडा। जय श्री राम। और ये देखिए श्री रामचंद्र का झंडा कैसे लहरा रहा है यहाँ पर। और ये देखिए ध्यान से दिखा रहा हूँ आपको मैं। और ये छतों पर देखिए, ये झंडा देखिए आप। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो जैसे कि आप अंदर सुन रहे हैं कि हनुमान चालीसा का जाप हो रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अभी लोग कितनी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं यहाँ पर।
राम आ रहा है। जय श्री राम। 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 मेरी मातृशक्ति दरबार सभा के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ताओं, युवा मोर्चा के उत्तराखंड युवा मोर्चा के सदस्यगण, मैं आप सबको आज के पावन अवसर पर राणा रामलला के अपने स्थान पर 500 साल बाद 2,200 करोड़ चलात्रियों का जो सपना था वो पूरा हुआ है, 500 साल का हुआ है। उन सबका सपना पूरा होने पर कि उन्होंने वहां पे बलिदान करा, उनका सपना पूरा होने पर आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो जैसा कि भजन कीर्तन का जो कार्यक्रम था वो हो चुका है समाप्त और लोग अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। दुबर बोल दिया एक बार और जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, खा लिया प्रसाद? गुड गुड, शाबाश। हाँ तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है हमारे भारतवर्ष में आज, और जगह जगह दिए, जगह जगह लड़ियां लगाई जा रही हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है और अभी मैं पूरी पिक्चर दिखानी है आपको, ठीक है? बने रहना लास्ट तक मेरे साथ।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज सब के सब यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं, और जैसे कि आज बनता ही दिवाली है, क्योंकि आज जो है अयोध्या में श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, और यहाँ भी देखिए यहाँ भी दिए जलाए जा रहे हैं, और सभी लोग अपने अपने घरों को सजा रहे हैं आज दिवाली में। और क्योंकि जैसे कि आज पूरे विश्व में दिवाली है, और हो क्यों ना कि आज श्री रामचंद्र जी आए हैं हमारे अयोध्या में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाई दिए जल रहे हैं, मैं घर जाऊं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चांद भी निकल चुका है राम जी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आ चुके हैं घर वापस, और वीडियो में आपने देख ही चुका होगा कि किसी ने लड़ियां लगाई हैं, तो किसी ने दिए जलाए हैं, किसी ने तो, रंगोली बनाई है। तो हो क्यों ना, क्योंकि आज श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आ गए हैं, और आज मैंने आपको पूरा दिखाया कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी तैयारियां की थी, और कैसे कैसे मंदिर में कीर्तन भजन हुए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ, हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, और हाँ हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते ठंड लग गई।